जोहार, सबसे पहले तो आपका चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जोहार सेना की ओर से जोहार। आज जो 5 मार्च आदिवासी बचाओ महारैली हम लोग कोल्हान की धरती से आए हुए हैं जमशेदपुर से, और मैं जोहार सेना का मैं वर्तमान में एक अध्यक्ष भी हूँ। ये जो जोहार विद्रोह का जो ये मामला है और वर्तमान समय में कुर्मी कुर्मी जो आदिवासी बनने के लिए ललायत हो रहे हैं, तो प्रथम सीढ़ी भूमिज समुदाय को ही कंधे पे लोग पैर रखना चाह रहे हैं, और वो सीढ़ी है चुहाड़ विद्रोह। ये जो चुहाड़ विद्रोह का जो मामला है ये सभी कोई जानते हैं, 1769 के जो जंगल महल का जो विद्रोह हुआ है इसमें साफ साफ अंकित है। जितने भी गैजेटियर हैं या जितने भी इतिहासकार के पुस्तक है या किताबें हैं, सभी किताबों में कहा है कि चुहाड़ भूमिजों को ही कहा गया है। लेकिन आज महतो और कुर्मी को देखिए, पोलिटिकल की बल से बोलिए या अपना, हमेशा एक बात कहती है कि हम लोगों झारखंड में 22% है, तो क्या 22% होने से क्या क्या इतिहास का किसी का छीन लेंगे? ये तो गलत है। आप 22 हो या 100 हो या 200 या 500, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आप 500 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी जनजाति का इतिहास को छीन के आप आदिवासी बनिएगा। ये जो आप दावा करते हैं कुर्मी कुर्मी कि रघुनाथ महतो का 1738 में जन्म घुटियाडी में, जो फर्जी रघुनाथ महतो का जन्म स्थान बताते हैं घुटियाडी, ये जमीन किसका है वो महतो को पहले जानना चाहिए। 1738 में कोई कुर्मी और कुर्मी उस वक्त था ही नहीं, उस समय हमारे राजपाट चला करता था मानभूम के। अभी वर्तमान जो 64 का जो हमारा खतियान है उसमें भी हमारा भूमिज का ही नाम अंकित है, एवं जो भूमि जो लैंड होता है उसमें भी पंच सरदारिन के नाम पर हमारा भूमिज का ही नाम है। और ये जो महतो कुर्मी कुर्मी को अगर जानकारी का अभाव है तो मैं जानकारी देना चाहूँगा, ये जो घुटियाडी कहते हैं नहीं लोगों, ये घुटियाडी नाम वास्तविक नाम नहीं है, ये नाम है बूट पोड़सा घुटियाडी। और ये बूट पोड़सा किनको कहा गया है? ये बूट पोड़से भूमिज को कहा गया है। अरे बूट पोड़सा एक गोत्र होता है हमारे आदिवासी समाज में, अरे बूट पोड़सा गोत्र उस समय जितने भी हमारे खता खतियान है उसमें भी हमारा अंकित हो चुका है। तो कौन से दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारा चुहाड़ विद्रोह रघुनाथ महतो है भाई? जब 1769 का जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, क्या वो झूठा है तब या वो काल्पनिक है? उनके हिसाब से हमको लगता तो वही काल्पनिक है। आज हमारे पास 50 से अधिक डॉक्यूमेंट है विभिन्न राइटर का, विभिन्न गैजेटियर है, तो क्या उस समय वो झूठा है? वो सब उनका केवल दो ही किताब है, समरगता और एक झारखंड का विद्रोह का इतिहास। ये दो टो किताब के माध्यम से अपना दावा कर रहे हैं रघुनाथ महतो। जब हम लोग उनका छानबीन करते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन सा किताब से ये रेफरेंस लिया गया है, तो पुरुलिया का एक किताब है एक नज़र पुरुलिया, उनका राइटर का नाम है शर्मिक सेन। जब शर्मिक सेन के बारे में हम लोग पता करते हैं कि कौन सा, इतनी छोटी सी किताब है, पतला सा किताब है, और पतला सा किताब में एक पेज में ओनली लिखा हुआ है खाली रघुनाथ महतो, और टूसु जो गीत होता है टूसु गीत हम कहानियों से भर दिया गया है, और ऐसा कुछ उसमें प्रस्तुत नहीं है कि एकदम चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो ही है या कौन सा ईस्वी में रघुनाथ महतो ने विद्रोह किया, ऐसा कुछ भी उस किताब में भी उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के बल पे इस तरह का हमारे जबरन हमारे भूमि समुदाय के ऊपर ये लोगों अपना दावा कर रहे हैं, क्योंकि ये बात किसी से छुपा नहीं है। झारखंड में 32 जनजाति में सबसे कमजोर जाति हम लोग है। एक समय हमारे भी राजपाट हुआ करता था, लेकिन हमारे नशापान, अधिक जमीन जायदादी, ये सब हम लोग किसी कारणवश नहीं संभाल पाए। लेकिन हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग अभी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो जब अपने इतिहास को जब हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारा इतिहास को जितना खोदने का प्रयास कर रहे हैं उतना हमारा इतिहास निकल रहा है। तो भाई इतिहास की बात है, ये कोई जमीन का एक बित्ता की बात नहीं है कि हम लोग उससे समझौता कर लें। हम इतिहास से हम लोगों की भूमि कभी समझौता नहीं करेंगे, इसके लिए हमको सर काटना पड़े या सर काटाना पड़े हम लोगों को मंजूर है।